क्या बोले वो बस जल्दी बोर्ड है अभी आगे आगे देखते जाओ अभी कश्मीर की तरफ जा रहे हैं देखते जाओ क्या सीन बनता है ना। अस्सलाम वालेकुम आप लोकल हो फाइनली मीन्स मैं ऐसे कैमरा का किया था मीन्स अमीर भाई इधर पे घूमने लायक क्या क्या जगह है आप बताइए तो। गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग आप हम बात कर रहे हैं पत्तू ये पत्तू गांव कारगिल से और कीची खबरूट इधर का लैंग्वेज कीची खबरूट। तो बाकी आज 21 जून टाइम अभी हो रहा है 10:30 और अभी आज क्या होगा सीन अभी पहले मैं जाऊंगा चार्जर लेने पावर बैंक जहां चार्ज किया था और बाकी हम ब्रेकअप होने जा रहे हैं आज एक भाई से ब्रेकअप। भाई गुड मॉर्निंग कैसा रात बीता? बढ़िया यार बढ़िया। आज ब्रेकअप हो जाएगा? हाँ ब्रेकअप हो जाएगा। आप जो आप कहाँ जा रहे हैं प्लान है आज ले निकलोगे? पेंगोंग नहीं ना वहाँ पे तो हर बंदा जाता है। तो एक दिन में पहुंचा के रास्ता तो एकदम फरफरिया रास्ता है फरफरिया मींस बढ़िया रास्ता है अरे चलो ठीक है। और हमारा भाई जी कैसे है तुम? नमस्कार नमस्कार गुड मॉर्निंग बढ़िया हुआ अच्छा। चलो मैगी लेने साथ में जाते हैं चलो ना। अरे यार तो सीन क्या है कि हम कल खाना का कीमत ना मूर्ख है हम आते समय 5 मैगी या 6 मैगी का पैकेट लेके आ सकते थे और इधर के बना के खा के निकल जा सकते हैं ब्रेकफास्ट। आज हम भी जा रहे हैं इधर इस जगह को छोड़ के बहुत बुरा लगेगा। तो पहले हम जाते हैं शारजा लेके आते हैं इस तरफ है शारजा वो ले लिया शारजा इधर पे चार्ज दिया था थैंक यू जी इधर पे वो लगाने का मौका। गुड मॉर्निंग पहले गुड मॉर्निंग। और इधर पे मीन्स ये देखो ईद है इधर ऐसा हमारे उधर तो जैसे लाल वाला ईट होता है ना मिट्टी से बनाता है वो कम से कम 10 रुपए का आता है और ये सीमेंट वाला ईट होता है और एक होता है मिट्टी का वो उस दिन दिखाया था ना तो ये 35 रुपीज पर पीस है पर पीस 35 है ना सही बोला। हाँ ठीक है सर थैंक चलते है। तो ये हो गया इधर का व्यू और उस समय जो मैं भाषा बोल रहा था ना ये कारगिल का जो भाषा इसका नाम है बाल्टी भाषा। सो अभी पैकिंग कर लेते हैं इतना एकदम लफड़ा हो रखा है इधर लफड़ा उल्टा पुल्टा हो रखा है। तो अभी टाइम हो गया 10:00 नहीं 10:00 नहीं अभी हो गया है 12:00 बहुत टाइम हो गया आज अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला है और ऐसा सीन है हमने पैकिंग सब कर लिया इधर पे लगाया था छोटा मोटा बीच में अभी इधर पे पैकिंग वैकिंग हो गया है बाकी सीन ये है कि भाई भी वो जितना तेज भाई बोलता है मुझे लग रहा है डांस करना पड़ेगा गाना बज रहा है और भाई भी अभी निकल रहा है हमका ब्रेकअप हो गया है भाई ब्रेकअप मींस अलग जुदा जुदा जुदा। बाकी जितना भी एक चीज मैं बोलता चाहता हूँ मैं अब तक जितने में मिला हूँ सक्सेसफुल लोगों का कुछ क्वालिटियाँ होता है और भाई का भी मैं भाई के अंदर भी कुछ क्वालिटियाँ है मैं देखा और बाकी भाई आप बोलिए तो हमारे दर्शक के लिए कुछ एक क्या बोलना चाहते हो क्या मैसेज देना चाहते हो? घर से निकलो और घूमो जितना घूम सकते हो लाइफ बड़ी शॉर्ट है यार। सही बोला बता ठीक है तो अच्छे से जाना टेक केयर बढ़िया सारा बाकी हेयर कट तो जितना हो सके अच्छा से कर दिया है जल्दी मिलेंगे जब आसाम में आएंगे एक आने वाला हूं। हाँ, जरूर मिलेंगे जरूर अपनी नॉर्थ ईस्ट ट्रिप फिर से शुरू होने वाली है क्योंकि मेरे को इंडिया का वही पोर्शन बढ़िया लगता है नॉर्थ ईस्ट वो तो अलग ही लेवल है लोग कश्मीर आते हैं मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ क्योंकि मेरे को बढ़िया लगता है यार। बाकी ठीक है तुम चलते हैं है ना फिर मिलेंगे जल्दी। ठीक है नमस्ते बाय बाय। हाँ भाई हो गया फुल सेटअप में रेडी नोटिस था ना ये ऐसे करो ऐसे करना नोटिस मेरी जान है मैं नोटिस से ज्यादा दूर नहीं रह सकता ऐसे करो रेडी बेस्ट ऑफ लक टेक केयर बाय बाय अच्छे से जाना ठीक है। भाई चले गए उस तरफ जाएगा ले की तरफ और हम लोग अभी जा रहे हैं द्रास की तरफ ये कारगिल द्रास सोनमार्ग अभी कश्मीर घुसने का प्लान है ना तो हम ये शॉर्टकट मार रहे हैं ये रास्ते से एक भाई जाएगा रास्ते से बाकी मस्त बंदा था जैसे मैं बोला ही हूँ क्वालिटियाँ तो वो जब मिलोगे ना आप पता चलेगा जैसे अब गौर करना सक्सेसफुल आदमी जब मिलोगे ना कुछ कुछ क्वालिटियाँ गौर करना तब पता चलेगा अभी क्वालिटियाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ ठीक है। तो अभी हमको पैदल जाना है मेन रोड की तरफ और एक ब्रो ने मीन्स मेरा ट्रेवलिंग को समझा और इतना सपोर्ट किया वो भी बहुत बड़ी बात होती है बाकी। और जैसे कि हम ये विलेज साइड पे है इधर पे देखते हैं क्या क्या खेती है इधर पे क्या क्या खेती है मीन्स आप लोग करते हो क्या क्या खेती हाँ देख सकते हैं गेट है गेट तो नहीं है ठीक है टाइम चलते हैं। गांव का नाम क्या था पट्टू ना अंडो अंडो गांव ठीक है ये है ना ये कौन सा ये क्या बोला आपने
गाय के लिए घास है। हाँ 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 निप्पो यूपो बोलते हैं। और ऐसा गली है ओ ओ घर ऐसा होता है। करगिल का अंदो 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 ना इस तरफ जाना है हमको इस तरफ। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे हम ट्रेवल करते हैं ना जो बुरा हमारा एक्सपीरियंस होता है ना वो भी हम बताते हैं और जो गुड एक्सपीरियंस है वो भी बताते हैं। तो ये है हमारे का नहीं मीन्स ये है हमारा वीडियो बनाने का तरीका। बाकी ऐसा रास्ता है शॉर्टकट। सो फाइनली रोड पे आ गया हूँ 1.5 किलोमीटर पैदल आने के बाद और अभी देखते हैं कुछ खाने का व्यवस्था करते हैं। तो पहुँच गए मेन मार्केट और क्या है कि एक अंकल जी मिला था, उन्होंने हमको गाड़ी पे बैठा के इधर में पहुँचा दिया। ऐसा सीन है, ऐसा वाला टैक्सी में आता है, ये चलता है इधर में। ओह इधर पे खाएंगे कुछ, ठीक है। से मिला क्या आप अपना नाम? रोमा। ठीक है, हमने कभी भी नहीं सोचा था कारगिल में असम का लोग मिलेगा। और अपर असम से है, सिपसागर डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट से कम 350-700 किलोमीटर है दूर हमारे घर से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से सिपसागर डिस्ट्रिक्ट दूर है। तो बाकी खा लेते हैं, अच्छा लगा यार, बढ़िया है। हमारा खाना आ गया है, ये हो गया हमारा, ये रोटी यही खाते हैं अभी और इसके साथ पानी। तो खा लेते हैं, असम वाले भाई ने बना दिया है, बहुत टेस्टी है, बढ़िया लग रहा है। थैंक यू धन्यवाद। चलो चलो तो हो गया, अभी इधर से निकलते हैं। ये लोकेशन क्या है इसका पूरा एग्जैक्ट लोकेशन? तो अच्छा लगा, इधर से अभी निकल गए। हाँ इधर से ही रास्ता, हमको जाना है अभी ड्रास। मैंने वो दुकान नया खुला है तो बैनर नहीं है, नहीं तो दिखा था मैं अच्छे से। ये लोकेशन ऐसे बोले दिया है उधर पे, ऐसा सराउंडिंग। एक्चुअली कारगिल फेमस है पाकिस्तान इंडिया वार के लिए। और इधर के लोग ना थोड़ा फ्रेंडली है, हमको जब खा रहे थे ना उधर पे बहुत लोग आए पूछे, इधर आओ तो इधर आओ, इधर पे बहुत लोग फ्रेंडली है ना। हम जब खा रहे थे अभी कोई कोई आया, अच्छे से बात करने की कोशिश किया है ना। आज वेदर थोड़ा वो क्लाउडी भी हो रहा है, देखो ना, क्लाउडी नहीं मीन्स वो आज सन नहीं निकल रहा है। अकॉर्डिंग टू गूगल इधर का पॉपुलेशन है 16,000 something कारगिल का पॉपुलेशन। ये कभी कारगिल आना पड़ा तो ये वाला जो हमने खाया था ना उधर पे, तो उधर पे ट्राई करना जाने के लिए, बहुत बढ़िया बना रहा है, बहुत टेस्टी था, मीन्स टेस्ट बहुत बढ़िया रहा। बाद इतना लोग देख के अच्छा लग रहा है, मीन्स क्योंकि ले वे पे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है ना, तो इधर पे ही थोड़ा भीड़ भाड़ है, अच्छा लग रहा है। अभी आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा, पैदल ही आ रहे हैं, मीन्स ये टाउन क्रॉस करना पड़ेगा, इसके बारे ही चेकिंग हुआ ना, वही सीन है। बाकी बाईपास उधर से आके ज्वाइन होता है ना, ये हम अंदर वाला रास्ते से जा रहे हैं मिस टाउन का। क्या हुआ भाई, वेट हो गया, इधर रुक गए तुम? जो भी होगा हमारे लिए तो क्या हुआ भैया, हाउ आर यू को कैसे बोलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप? ये बाल्टी ठीक होता है, ठीक होता है, होता है, ठीक होता है, ठीक होता है, हमको हेल्प कर रहे है ना, हेल्प कर रहे हैं। किधर तक आप लोग जा रहे हो? हम राजस्थान जा रहे हैं। ओके देन, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, दिस काइंड ऑफ हेल्प बहुत रेयर होता है, जैसे खुद से बुला के, जब मैं तो आगे जा रहा था स्पीड में तो भाई पीछे पीछे जा रहा था, तो काइंड ऑफ खुद से बुला के बात बात करके यार हम हेल्प कर देंगे ना, देखो
ये है गुड एक्सपीरियंस इन कारगिल। उधर एक ड्रास ट्रैक 64 किलोमीटर है इधर से ड्रास, देखिए कितना दिन नहीं कितना टाइम में पहुँचते। तो हमको हेल्प मिल गया मेन बाजार से, ये मेन बाज़ार है कारगिल का। बाकी ऐसा गाड़ी भी मिल गया वो जा रहे हैं। बाकी सीन ये है कि देखो कैसे लोग हेल्प बिना मांगे हेल्प कर रहे हैं, लोग कितना हेल्पफुल है। ये रुक गए हैं थोड़ा देर के लिए, उसके बाद जाएंगे। वो घर देखो कैसा है। अरे ये भी ऑफर किया यार, लिफ्ट तो दिया है बदले में उल्टा है ऊपर से ये भी ऑफर किया यार। भाई क्या बोलना चाहोगे बोलो तो थोड़ा हमारे लोगों के लिए। यहाँ पे कारगिल पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, जगह भी सुंदर है। सही बोला, हमें बहुत पसंद है, पूरा अलग ही भाई है यहाँ पे। लोग क्या बोले, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे है। अभी आगे आगे देखते जाओ, अभी कश्मीर के तरफ जा रहे हैं, देखते जाओ क्या सीन बनता है ना। सस्पेंस होगा है ना, देखते जाओ। अभी मैं आपको उसी से बताता हूँ, जैसे मैं बोला था ना लद्दाख में पीपल आर नॉट सो हेल्पफुल, ऐसे बोला था कि हेल्प नहीं मिलता। हाँ हेल्प कम मिलता है, और इसका कारण है टूरिस्ट लोगों की वजह से। उस दिन जो पहला जो यंग पर्सन हमको खाडुंगला से लेके आया था ना, उन्होंने अच्छे से समझा के बोला था कि इधर पे क्या है कि लोकल्स को मीन्स ऐसा कैसा कुछ सीन था, और इधर पे क्या है कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं लद्दाख को गंदा करके चला जाता है, इसके कारण से भी हम नाराज़ है, और इसी कारण से लोकल बाहर के लोगों को इतना पसंद नहीं करते। तो ये भी कुछ ऐसे करके बोला था अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जो हमको समझा रहा था। हमने बोला था कि खुल के जैसे ऐसे ऐसा रहा था, तो वो पर्सन ऐसे ऐसे बोला। और एक बात है कि लोग इधर से जैसे हम लोग आते हैं लोकल का भाषा ये सब भी जानने की कोशिश करते हैं, कल्चर वल्चर जो भी हो, लेकिन ज़्यादातर आते हैं ऐसे रास्ते पहाड़ देखने के लिए और गंदा करके चला जाते हैं। इसके कारण वो लद्दाख में ये टूरिस्ट लोगों ने बना दिया है और पूरा कॉमर्शलाइज हो गया है, मीन्स हेल्प के बदले में पैसा ये सब होता है। तो वही चीज़ आपको रिपोर्ट क्लेरिफाई कर दिया लद्दाख का जो सीन था, अभी लद्दाख पे ही है लेकिन कारगिल एक अलग रीजन हो गया ना। बाकी वही इस तरह पे एक नदी है, थोड़ी बैठा है थोड़ा टाइम इधर। अमीर भाई इधर पे घूमने लायक क्या क्या जगह है आप बताइए तो, जैसे कुछ कुछ जगह है ना मेरे को तो। हाँ अंदुरमान एक गाँव है, हाँ इधर पे जो बहुत म्यूजियम है, जो 1999 हाँ उधर बहुत चीज बना हुआ है, पाकिस्तान में जो गन बना हुआ है, बम बना हुआ है, बहुत चीजें देखने को मिलेगा। हाँ वो एक और क्या है, जो पत्थर के जो मतलब चमचे होते हैं, पत्थर के जो चम्मच होते हैं वो देखने को मिला था। अभी तो आपको टाइम नहीं है। हाँ टाइम ही नहीं है, वो ही सीन है। बाकी वो आप लोग कारगिल का जो अच्छा गांव है जो घूमने लायक, वो क्या नाम बोला था, अंदू अंदू ठीक है। और जो फेमस जो है हाँ वो हमारे गांव में हरदास कोट से हर सब हाँ सब मिलता है। और ये जो मैंने कहा था ये जो बाल्टी लैंग्वेज है इसका भी तीन तरह में अलग अलग थोड़ा वेरिएशन है ना। फिर भी बहुत कुछ बोला इन्फॉर्मेशन, थैंक यू बहुत बहुत। हाँ ठीक है, थैंक यू। भाई ने जो गांव बोला था ये इस ब्रिज को क्रॉस करके इस वाले रास्ते से ही जाता है। और मैम जो गांव का नाम है वो है हुंदरमन, आपने शायद UK 07 राइडर का वीडियो में देखा होगा, वो बाइक चला के गया था वो गांव तक। हम तो नहीं जा सकते शायद, इसमें जाएंगे अभी। हाँ ठीक है, कहाँ गए वो भाई लोग, कहाँ गए वो, यहाँ गई है। ठीक है ठीक है चलो, थोड़ा वेट करना पड़ा। 4:23 है अभी टाइम, और अभी मैंने सब अरेंज करके दिया है, गलत गाड़ी पे जा रहे हैं ड्रास के लिए। डायरेक्ट उतरेंगे उधर और बताएंगे क्या है ड्रास एक्चुअली। ट्रक के ऊपर से ड्रास पहुंच गए हम, और इधर पे बैग वैग लाया था, और भाई ने मैंने सिप्स भी दे दिया था, वो सिप्स नीचे बैग उठा दिया है। ट्रक के ऊपर से ड्रास पे स्वागत, ये है वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है तो पहले उतर लेते हैं ना। हेलो जी, शुक्रिया। सो पहली बात तो ये इधर आके हमको मीन्स ये जैकेट लगाना पड़ा, ठंडा है इधर, और ये है मीन्स वर्ल्ड का सबसे ठंडा जगह ड्रास। ओके तो जो ठंडा का वेदर मीन्स वो अभी का टेम्परेचर को देख के बताते हैं। अभी का टेम्परेचर 10 चल रहा है, लेकिन
जो विंटर का टेम्परेचर है -20 ऐसा कुछ रहता है और हमको जैकेट लगाना पड़ा। वेदर थोड़ा ठंडा है इधर, बाकी आप पूछते हैं इधर पे कौन सा भाषा बोलते हैं या क्या है और क्या है लोग कैसे हैं। तो अभी टाइम हो गया 6 o'clock। इस तरफ ये व्यू देखिए, इस तरह शायद गाँव वाँव जाता है ऐसा सीन होगा। बाकी थोड़ा टहल रहे इधर। आप लोग इधर कौन सा भाषा बोलते हो? कश्मीर का हो? तो पुशु ठीक, घर से ठीक ठीक छू देखे इधर। उधर हम एक दुकान पे बैग रखे थे, उधर बात कर सकते थे, फिर भी हम थोड़ा आगे आ गए। और इस जगह का एलिवेशन है 3300 मीटर अबव द सी लेवल है और ले से कम है, ले का 3500। अस्सलाम वालेकुम, आप लोकल हो? हाँ। इधर पे कौन सा भाषा चलता है? और कैसे बोलोगे आप? जैसे कैसे बोलना जो खाए यो खाए ऐसे बोलोगे? चलो ठीक है, अच्छा लगा, खुदा हाफिज। तो बाकी वही ऐसे टहल रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो घर पे? आज हम सोच रहे हैं कि कहाँ टेंट लगाए, तो सोच रहे हैं कि ये जगह, मैं तो थोड़ा मेन मार्केट में क्रॉस ही करके आए और आगे जगह देखना पड़ेगा टेंट लगाने के लिए, टाइम हो गया। हमने वो एक दरगाह द्राश का वार मेमोरियल वो हमको क्रॉस करके आया है, दिखाया है 1600 क्लिप ऐसे लेके वो इधर पर वीडियो पर दिखाया है। और लोग फ्रेंडली है, कोई सीन नहीं, आराम से बात कर सकती हो, लोग काफ़ी फ्रेंडली है। इधर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बोल रहे थे आप, कौन सा भाषा बोलते थे इधर आप? यहाँ हमारे पास दर्दी भाषा चलता है और बट्टी भाषा। दर्दी और, हाँ मेरे को मिला था, दो भाषा चलते हैं, दर्दी और कश्मीरी भी चलता है थोड़ा कुछ, कश्मीरी भी थोड़ा मस्त है यार, कश्मीरी का बंद। हाँ तो ठंडा में कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है, सर्दी ही सर्दी यहाँ, बर्फ आता है खतरनाक ना सर्दी। और -40 -50 तक यहाँ सर्दी माइनस में जाता है। और बाकी इधर टेंट लगाने का जगह होगा क्या, जैसे तंबू एक लगा के रहने का? आराम से बैठ सकते हैं आप, उसको कोई टेंशन, कोई सीन नहीं जगह। थैंक यू जी, थैंक यू। तो फाइनली मीन्स मैं ऐसे कैमरा का किया था, मीन्स लोग फ्रेंडली है या नहीं वो जाने के। और ये देखो ना वो ब्रदर ने ये सब इसलिए दिया पता नहीं, और अभी मीन्स टेंट लगाने का एक जगह ढूंढ रहे है। उधर पर एक ब्रिज है वो सर जी बोल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट ये कारगिल ही पड़ता है। बाकी ऐसा गाली गली। घर का डिजाइन देखिए कैसा है। इधर पे अभी तो टेम्परेचर चल रहा है 10 डिग्री, लेकिन ठंडा क्यों जाता है पता है? ह्यूमिडिटी जाता है, हमें नॉर्थ की तरह ह्यूमिडिटी, हवा में पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, 83% ऐसा कुछ है अभी। और साथ में थोड़ा थोड़ा वो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ रेन भी गिर रहा है। बाकी देखते हैं आज कैंपिंग कैसा होता है इधर, सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन दिस आर्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेस सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस बता रहा हूँ। फास्ट कोल्डेस्ट प्लेस वो क्या है? वो है याकाचुक, रसिया में याकुचुक में स्पेलिंग इधर नीचे प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो रसिया में है। ठीक है, ऐसा व्यू है अभी, हम इस वो टाउन से थोड़ा अंदर आके इधर आ गए। फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स, जगह मिल गया हमको ड्रास पे, वो थोड़ा नज़दीकी मिला, कल दिखाएंगे सुबह। आज क्या है कि ऐसा बढ़िया जगह मिला है, हम कुकिंग करके खा भी सकते हैं। और ब्रदर को बोला कि तुम जाके कुछ मैगी और ईपी या कुछ लेके आओ, मैं बनाता है ना, तो इधर पे अभी बनाते हैं और खाते हैं और सोते हैं ना, उन्हें एडिटिंग तो भी करना है। बाकी एकदम शराबपुंजी जैसा वेदर है इधर, शराबपुंजी जैसा वेदर है, एकदम रेनी गिटर है, छोटा मोटा वो टीनी बूंद ऑफ टीनी ड्रॉप्स ऑफ रेन होते रहता है इधर। तो बाकी अभी बनाना होगा, तो ये इधर से ही मीन्स वो लकड़ी वकड़ी उठा दिया है, ये छोटा छोटा लकड़ी कुछ था, ये दूसरा वाला रूम है और हमने आग लगाया है इधर, इधर आग लगाया है, ये रहा, ओ ऐसा दिख रहा है आग, लकड़ी भी इतना अच्छा नहीं है, ये इतना सूखा नहीं है वो। तो ये हमारा हो गया ईपी मैगी सबसे बेस्ट है, मैगी मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इधर पे ऐसे करके बना लिया। अरे ख़तरनाक मीन्स ये लकड़ी जैसे तैसे करके जलाए, और अभी तक मीन्स वो अंधेरा नहीं हुआ। देखो टाइम हो गया अभी 8 o'clock।
तो हो गया, अभी मेरे खाने का बारी है क्योंकि एक ही चम्मच है ना, और बाकी ईपी खा रहे हैं अभी। आज हम हैं सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस द्रास, DRASS द्रास, और ये लोग रहने वाला कोल्डेस्ट प्लेस है। बाकी इधर से श्रीनगर है 135 किलोमीटर, बाकी कितना बाकी बोलूंगा, बाकी आराम से खा लेते हैं। आप लोग भी खाना पीना खा लो और नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, मिस नेक्स्ट वाले डेली ब्लॉग पर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं, आना मिलते हैं जल्दी से जल्दी।